गुड मॉर्निंग। मेरा चाय और पेपर। गुड मॉर्निंग मोना। गुड मॉर्निंग। आज भी क्लाउडी वेदर है। तो क्लाउडी वेदर में क्या होता है कि गर्मी बहुत लगता है, फिर भी निकलूंगा मैं थोड़ी देर में ही। पापा का एग्ज़ाम है आज, इंग्लिश एग्ज़ाम है। तो पता नहीं आज दिन कैसा जाएगा, होपफुली अच्छा ही रहे। पापा का एग्ज़ाम खत्म हो गया। मेल भी चेक कर लिया। मेल भी चेक कर लिया? मैंने मेल सेंड किया। मेल सेंड कर दिया, मैं वो चेक कर लिया। कैसा हुआ एग्ज़ाम? बहुत अच्छा हुआ। इंग्लिश एग्ज़ाम था। इंग्लिश एग्ज़ाम था, फुल मार्क्स? एकदम एकदम फुल मार्क्स। मेरा टेस्ट का भी और एक इंग्लिश एग्जाम दिया था मैंने। हाँ, उसका एक अवार्ड आ सकता है। उसका एक अवार्ड आ सकता है, सरप्राइज है, देखते हैं। अगर आएगा तो बताएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट है साइंस एग्जाम। हम लोग अभी क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट कर लिया। तुम ब्रेकफास्ट कर लिया? क्या तुम्हारा 10 बजे से क्लास है फिर से? ओके, तो ठीक है। देखिए 10 बजे से क्लास है, इसीलिए स्कूल ड्रेस नहीं खोला है। ठीक है, चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। रेगुलर क्लासेस है अभी, ठीक है। मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर मुझे निकलना है। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, आज नूडल्स है। वहाँ पे और भी थोड़ा रखा है, अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं ले लूँगा। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है। अभी बारिश हो रहा था, रेनकोट पहना था, और अभी देखिए कितना धूप निकल आया है। मैं तो पागल हो जाऊंगा, देखिए कितना धूप है। रेनकोट रख नहीं पा रहा हूँ और क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। रेनकोट रखूँ या उतारूँ? देखिए अब भी बारिश हो रहा था, बाइक अभी तक सूखा नहीं है, और ऊपर से इतना तेज़ धूप। पता नहीं आज का वेदर कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं कैसा रहेगा। ये हमारा बेडरूम का फ़ैन का स्पीड एकदम कम हो गया है, तो इसे बदलना पड़ेगा। उसके लिए आज मैं पापा को क्लास करने में भी दिक्कत होता है, तो मैं एक नया फ़ैन लेके आया हूँ अभी। ये है मेरा नया सीलिंग फ़ैन, वाइट कलर का। तो इसको मैं अभी सेट करूँगा निकाल के, और इसको ड्राइंग रूम में लगाएंगे, और ड्राइंग रूम का जो फ़ैन है उसको बेडरूम में लगाएंगे। मैं फ़ैन का बॉक्स का पैकिंग खोल रहा हूँ, और ये वीडियो जो शूट हो रहा है ये गोप्रो में हो रहा है। तो बॉक्स पैकिंग खोल के धीरे धीरे, देखिए खोल लिया मैं बॉक्स, और वाइट कलर का फ़ैन है, इसको मैं अभी सेटिंग करूँगा। तो देखते रहिए कैसे मैं सेटिंग करता हूँ। मैं अभी बेडरूम का फ़ैन खोल रहा हूँ, और पापा मुझे हेल्प कर रहा है बेडरूम का फ़ैन खोलने में। तो फ़ैन खोलता हूँ पहले इसको, देखिए अभी इसका स्पीड एकदम ही ख़राब हो गया था, इसीलिए इसको बदल दे रहा हूँ। तो आगे, और ये अभी ड्राइंग रूम का फ़ैन खोल रहा हूँ मैं, वो भी खोल लिया। तो अभी क्या करेंगे, ड्राइंग रूम में वाइट कलर का जो नया फ़ैन मैं लाया हूँ वो लगाऊंगा। पापा मुझे बहुत ही हेल्प कर रहा है, और वो ये सब काम करना पसंद भी करता है। अभी उसका क्लास नहीं है तो इसीलिए मेरा हेल्प कर रहा है, हाथ तो हाथ बटा रहा है। तो ये फ़ैन मोटा मोटी मैं सेट कर लिया। इसको अभी देखूंगा चला के कि कैसा लगता है और हवा कैसा होता है। तो स्विच ऑन ऑफ का काम पापा ही करेगा, और मैं पूरा नीचे नहीं उतरूंगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करने का भी ज़रूरत होता है। तो देखिए अभी स्विच दे रहा है, कुछ दिक्कत हुआ था तार का, तो मैं वो ठीक कर रहा हूँ। इसके बाद पापा को बोलूँगा फिर से। देखिए धीरे धीरे चल रहा है, अभी एक आवाज़ आ रहा था तो मैं उसको ठीक किया। तो ये अभी फ़ैन ठीक ठाक चल रहा है, अभी एकदम फाइनल हो गया है। हाँ, तो पापा चलाओ। ये देखिए मेरे हाथ से लगा हुआ फैन कितना जोर से घूम रहा है, और कितना हवा है। कैसा हवा है पापा? बहुत अच्छा हवा है। क्या
मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, बहुत सालों बाद आज पेन लगाया खुद हाथों से, आई लव इट। ये बेडरूम का फैन भी मैं लगा दिया, इसको चेंज किया, दोनों मिलके मैं और पापा, बहुत काम था। ये देखिए मेरा हालत, कहाँ पे बैठा हूँ, और ये देखिए हम लोग का फैन लगाने के बाद बहुत लेट हो गया है, तो अभी 4:15 बज रहा है, मैं नहा के लंच करने बैठा हूँ। तो आज है, आज बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, दाल है, ये काकरोल बोलता है, काकरोल का भाजी है, ये भिंडी का सब्जी है, भिंडी मसाला है और भी, और एक चीज़ भी है, वो है इलिश माछ, लग रहा है तो इलिश माछ ही है, हाँ इलिश माछ है। इलिश माछ का झोल है, इलिश माछ का समुंदर है, ये समुंदर में इलिश माछ तैर रहा है, तो मैं तैरते हुए इलिश माछ को खा लूंगा आज। ये देखिए आलू पटल का सब्जी भी है। देखिए दिन में रात शाम जैसा अंधेरा हो गया है, और ये देखिए बादल, और शुरू हो गया बारिश। तो मेरा हीरो नहा रहा है, वो देखिए क्या बारिश शुरू हो गया। खाने के बाद मैं थोड़ा छत पे आया हूँ, बारिश भी अभी बंद हो गया है और स्काई भी थोड़ा क्लियर हो गया, और वो देखिए दूर दिख रहा है मेरा फेवरेट सीनरी, हिल्स। मैं थोड़ा जूम करूँगा मोबाइल को, हाँ ये देखिए कितना क्लियरिटी है, मेरे छत से पहाड़ बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। देखिए तेज़ हवा चल रहा है, इसीलिए जो बादल मन रहे थे वो धीरे धीरे सब साउथ की तरफ चला जा रहा है, और ये छोटोंदा का घर है तो उसके ऊपर देखिए बहुत बादल जमा हुआ था, तो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ये टाइम लैप्स में किया था मैं वीडियो गोप्रो से, मैं हाल ही में गोप्रो हीरो 9 ब्लैक लिया हूँ, तो उसी का ये टाइम लैप्स वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा कैमरा है, मुझे यूज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं जब बाहर निकलता हूँ तो इसी से कभी कभी शूट भी कर लेता हूँ बाइक के सामने लगा के। देखिए कैसे स्काई क्लियर हो रहा है। मैं घर आ गया। हेलो पापा। हेलो। आज मैं बहुत बड़ा एक गलती कर दिया, पापा को मैं बाहर से बंद दरवाज़ा बंद करके लॉक करके चला गया था, क्लास कर रहा था वो, शुक्र है कि उसको टॉयलेट नहीं लगा या प्यास नहीं लगा, तो उसके लिए आज लाया हूँ ये मुगलाई पराठा, इससे हम लोग अभी टिफिन भी बोल सकते हैं, आधा डिनर भी बोल सकते हैं, वो हो जाएगा। ये देखिए ये चिकन मुगलाई पराठा है, इसमें अंडा भी डलता है, तो हम लोगों से अभी सब्र नहीं हो रहा है, चलो चालू करो। इंजीनियर साहब बैठ गए हैं गोप्रो लेके, एक चीज़ देखेंगे अभी तो, और ये सब कब उठाएंगे। देखिए मैडम आ गई ब्यूटीशियन ब्यूटी पार्लर से, बहुत टायर्ड है हम आज, बहुत टायर्ड है आज, तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और मेरा ब्लॉग्स अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ब्लॉग पूरा देखिए, सब कीजिए, जो जो आता है सब कीजिए, वेल आइकन दबाइए। तो कल एक नया ब्लॉग लेके आऊँगा, कुछ दूसरा चीज़ दिखाऊँगा, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, थैंक यू, गुड नाइट।